किलोमीटर से शुरू। और अभी जो ना टाइम हो रहा है 6 बजे या 9 बजे तक जो ना हम पहुँच जाएंगे अपने घर। और बहुत टाइम 4 महीने बाद जा रहा है और बहुत खुशी हो रही है बस। हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है अपना IBW का इवेंट सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बस मैंने अपनी बैग पैक करके जो है यहाँ से अभी निकल रहे हैं। तो मेरा प्लान है कि ना अभी मैं चले जाऊँगा सीधा यहाँ पे स्कूटर जो है ना गोवा में पार्क करके जाऊँगा मैं अपने घर। और कुछ दिन रेस्ट लेने के बाद भी ना मैं फिर से अपनी जो है ना राइड जो है ना ऑल इंडिया राइड स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैंने लास्ट जो है ना 4 मंथ से ऑन रोड हूँ अपनी स्कूटर के साथ। तो सोचा कि यार इस बार थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं 10 या 15 दिन का, तो फिर जो है ना अपनी ऑल इंडिया राइड का जो है ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखते हैं कि स्कूटर अभी मुझे ना रखने के लिए मैंने अपने एक दोस्त से बात किया था, तो वहाँ पे जाके जो ना अपनी स्कूटर पार्क करेंगे फिर घर चले जाएंगे। मैंने दोस्त से जो ना अपनी बात की कि यार मुझे बाइक दे देना, अगर उसने बताया कि कल मुझे अपडेट दे दूंगा, तो अगर देखते हैं अगर वो बाइक देते ना तो हम बाइक लेके जाएंगे यहाँ से, वरना जो है ना अपनी या बाई ट्रेन जाएंगे। बाई ट्रेन जाएंगे ना तो 3 घंटे का रास्ता है, अगर मैं बाइक जाता हूँ तो 5 से जो है ना 6 घंटे मुझे लग सकते हैं बाइक जाने के लिए। तो 265 किलोमीटर्स यहाँ से, तो देखते हैं अगर वो बाइक देता तो बाइक से चलते नीचे जाके ना एक बार वहाँ पे जाके देखते क्या था। अपनी स्कूटर लग चुकी है एक जगह पे मेरे दोस्त। लास्ट टाइम आपने अगर मेरा गोवा वाला व्लॉग देखा होगा ना तो आपने देखा होगा उसे, तो उसके यहाँ पे दिया है मैंने अपनी स्कूटर, वो आके जो ना यहाँ से पिक किया। और मैं अपने अमन भाई की जो ना अभी एक्सपल्स लेके जा रहा हूँ अपने घर। और भाई 10 दिन या 15 दिन घर पर रुकेंगे, फिर उसके बाद फिर से अपनी राइड जो ना स्टार्ट करेंगे। भाई पहली बार जो है ना मैं कभी 4 स्ट्रोक लेके ना इतना लॉन्ग निकल रहा हूँ। अब तक मैंने 4 स्ट्रोक लेके जो है ना 100 किलोमीटर्स के ऊपर मैंने सोलो राइड अभी तक नहीं किया, बस किसी दोस्त के साथ गया था तब मैंने हल्की सी राइड की थी, वही है मेरा अभी तक 4 स्ट्रोक के साथ। तो चलो भाई आज का कुछ बढ़िया होने वाला है। फ्यूल तो डाल दिया हमने, बस अभी निकलने हैं। हो भाई फाइनली आ चुके हैं हाईवे, और अभी तो यहाँ से ना कंटिन्यूस जाना है। उम्मीद है कि ट्रैफिक मुझे बहुत ही कम मिलेगी। कारवार 72 किलोमीटर भाई, यहाँ से अभी जो ना शिरूर है 200 किलोमीटर, और टाइम हो रहा है 4:43। बस 1 hour 15 minutes है, उसके बाद सनसेट हो जाएगा। थोड़ा एक आगे रुकते हैं ना एक 5 मिनट के लिए और फिर अपनी राइड स्टार्ट करेंगे। तो भाई आज का रोड पूरा ऐसे ग्रीनरी होते हुए चले जाएंगे भाई, मज़े आने वाले हैं मज़े। भाई बहुत ही बढ़िया रोड है ना, बहुत ही क्रेजी रोड है। एक हल्की सी ना एक छोटी सी एक घाट सेक्शन की तरह से है, मतलब ये जंगलों से होता हुआ जाता है रोड। ऐसे रोड पे चलाने में जो ना मज़ा बहुत ही बढ़िया आता है भाई, बहुत ही बढ़िया मज़ा आता है ऐसे रोड पे चलाने में। तो और यहाँ से है 28 किलोमीटर्स और मैंगलोर दिखा रहा है 299। आई थिंक भाई यहाँ से 4 लाइन हाईवे शुरू हो जाता है। भाई एक बार 4 हाईवे मिल जाए ना तो बहुत ही बढ़िया। तो भाई एक बार अगर 4 लाइन हाईवे मिल जाए ना तो भाई चलाने में भी मज़ा आ जाएगा। आई थिंक यहीं से शुरू हो जाता है 4 लाइन हाईवे, तो एक नॉर्मल स्पीड पकड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर वैसा वाला रोड रहे ना पहले वाला जो अभी था 2 लाइन वाला, तो उसमें जो है ना थोड़ा रिस्क रहता है, इसलिए अपनी स्पीड मेंटेन करके जाना पड़ता है। इसमें 4 लाइन में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, तो आराम से अपनी स्पीड से जा सकते हैं। तो चलो भाई पहला यहाँ पे आज ये दूसरा स्टॉप है मेरा यहाँ पे, और मोबाइल यहाँ पे मैंने लगा था तो ये वाइब्रेशन की वजह से ना यहाँ पे स्क्रू लूज हुआ, तो इसको निकाल के रखते हैं क्योंकि अगर एक गिर जाएगा तो ना फिर दिक्कत हो जाएगी, या कहीं आगे मैकेनिक मिलेगा ना।
तो इसको फिट कर लेंगे। मेरा जो टूल्स है ना उसमें हमको हमारे मेरे स्कूटर में ना एलेंकी नहीं यूज़ होती, तो मैंने रखा भी नहीं है, और मेरा पूरा टूल्स जो है ना यहाँ पे ही है स्कूटर में ही है। तो इसको निकाल के रख देते हैं फिलहाल के लिए, फिर लगा देंगे ना कहीं मैकेनिक से पास जाके। अभी तो सीधा सीधा रूट है तो आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे एक राइडर्स भी रुके हुए तो उनसे भी बात कर लेंगे। मैं यहाँ पे रुका था वॉशरूम के लिए ना। तो भाई ये रही इंपल्स जो मैं लेके निकला था, मैंने दिखाई ही नहीं थी अब तक। और ये देखिए भाई स्कूटर, नहीं सॉरी यार बाइक, स्कूटर चला चला के ना अभी मुंह में भी स्कूटर ही आ रहा है। ये बाइक थी जो मैंने चला के लेके आई, और यहाँ तक जो है ना मैंने 100 किलोमीटर कवर कर दिए हैं। बस अभी यहाँ से ना 150 किलोमीटर है शुरू, और अभी जो ना टाइम हो रहा है 6 बजे या 9 बजे तक जो है ना हम पहुँच जाएंगे अपने घर। और बहुत टाइम 4 महीने बाद जा रहा है और बहुत खुशी हो रही है बस। और बाइक चलाने में जो ना बहुत ही मज़ा है, लगेज कम होने की वजह से ना आराम से मज़े में चला सकते हो इस बाइक को। तो भाई इसके हेडलाइट वर्क करते हैं नहीं ये भी नहीं मुझे पता, तो देखते हैं एक बार चलते चलते। चलो भाई यहाँ से निकलते बिस्मिल्लाह। ओ भाई ये क्या, इसके ग्रिप ही निकल गया भाई। ये बहुत टाइम से जो ना बाइक रखी हुई थी, तो इसका जो है ना उतना पूरा परफेक्टली एक सेट नहीं है। भाई लाइट काम कर रही है इसकी, और ये है गुजरात की बाइक। भाई राइडर कहाँ पे है पता नहीं इसका। हाय ब्रो क्या हो गया, हो गया सॉल्व? ओके ओके ओके। इधर जा रहे ब्रो? मैं अभी जा रहा हूँ कर्नाटक। कर्नाटक टूर पे? यार उसने मुझे पहचाना जिसकी बाइक ख़राब हुई है, इतना उसकी बाइक पंचर हुई है वहाँ पे। तो मैंने उसको बताया कि आप ट्रैवल करते हैं, मैंने बताया मैं स्कूटर में ट्रैवल करता हूँ, स्कूटर में ट्रैवल करते ही बताते ही जो है ना वो पहचान गया। पता है यार ये फ़ोटो लेना है आपसे मिलने के लिए, मैंने आपको फॉलो करता हूँ, आपकी जर्नी देखता हूँ। भाई ऐसा कोई फॉलो करता ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है, ऐसा कोई आके सामने से कहता ना और मेरी जर्नी को फॉलो कर रहा है ऐसे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके साथ एक फ़ोटो हो गई अपनी, तो उनका पूरा ग्रुप चल रहा है, वो पूरे कन्याकुमारी तक जा रहे हैं। बस उनकी एक के बाइक के इसमें ना पूरा ग्रुप उनका पीछे रुका हुआ है। तो भाई फाइनली फाइनली एंटर कर रहे हैं कर्नाटक। ओहो हो वेलकम टू आईआरबी द कोस्टल टूर। कश्मीर वाले यादें ताज़ा कर दी, कश्मीर में जो टनल मिलता है ना उसके बाद यही टनल है जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ओहो हो एक टनल के बाद थोड़ी सी गैप फिर से टनल। बढ़िया बना है भाई, बढ़िया बना है। गुड मॉर्निंग गाइस, सो आज है वीडियो का दूसरा दिन, और कल रात को जो है ना मैं पहुंचा था 9 बजे 9:30 बजे के करीब जो है ना मैं घर पहुंचा था। और ये रहा अपना प्यारा सा घर, और ये जो थी बाइक जो कि मैं लेके आ गया था, और यहाँ पे है अपने कबूतर जो कि अभी यहाँ पे ऊपर तो कोई नहीं दिख रहा, आई थिंक पूरे अंदर है। तो भाई अभी कुछ दिन मैं रुकूंगा अपने घर, और उसके बाद फिर से जो है ना अपनी मैं राइड अपनी ऑल इंडिया की राइड जो है ना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 4 महीने ऑल रोड रहने का ये बहुत ही बड़ा क्या ये होता है, 4 महीने बहुत ही ज़्यादा दिन होते हैं। तो एक छोटा सा बैग
ब्रेक लेते हैं और फिर अपनी राइड पर जो है स्टार्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट के लिए, पूरा कवर करेंगे जो कि और भी 15,000 से 17,000 किलोमीटर्स जो है ना कंप्लीट होने और कवर करना बाकी है अभी। तो इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, आई होप कि तो से वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो करना लाइक और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं। तो मिलते तो बढ़िया से वीडियो के अंदर।